फ्रेंड्स, बिटियास किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसी डिश लेकर जो हम सबको ही बहुत पसंद होती है, बच्चे हों चाहे बड़े हों। फ्रूट क्रीम की एक रेसिपी हम आज लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। होली का त्यौहार बीत चुका है और पकवान खाने के बाद अब कुछ हल्का, कुछ फ्रेश चलिए बनाते हैं और खाते हैं और उसके टेस्ट के मजे लेते। फ्रूट क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अमूल की फ्रेश क्रीम ली है। ये आप ऐसी क्रीम भी ले सकते हैं जो एक डेयरी पर मिलती है, वो भी ले सकते हैं। मैंने फ्रेश क्रीम यूज़ किया है अमूल की, और आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ये दूध है जो हम इसे मिक्स करेंगे। आधा कप ये शुगर है, पाउडर शुगर, पिसी हुई चीनी, और जो फ्रूट्स हम इसमें डालेंगे, केले हैं उसको हाफ करके काट लिया है, सेब है और अंगूर है। मीठे वाले अंगूर लीजिए, कोशिश कीजिए मीठे वाले अंगूर हों जिससे टेस्ट अच्छा आएगा। और अनार है, और ये थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें किशमिश है, काजू है और बादाम है। ये क्रीम को हम बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा गाढ़ा है ये, इसलिए इसमें हम दूध मिक्स करेंगे। जब आप डेयरी पे मिलने वाली क्रीम लेते हैं तो वो इतनी गाढ़ी नहीं होती है, थोड़ी लिक्विड फॉर्म में होती है, क्योंकि मेरे को इसका टेस्ट अच्छा लगता है ज़्यादा, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जो लिक्विड और सॉलिड जितना इसमें है वो एक सा हो जाए बिल्कुल। देखिए थोड़ा गाढ़ा है और थोड़ा सा इसमें लिक्विड भी दिखाई दे रहा है, एक सा हो जाए। क्योंकि ये बहुत थिक है, इतना थिक नहीं हमको लेना है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी चाहते हैं। अगर ज़्यादा पतली आपको पसंद आती है तो आप थोड़ा इसको और पतला कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा गाढ़ा में हम पसंद करते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा उसको गाढ़ा रखा है। उतना ही दूध मिक्स कीजिए जितना आपको पतला सही लगता है। देखिए ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी ज़्यादा अच्छी लगती है, ये इस तरह से हुई है। अब इसमें ये पिसी हुई चीनी हम इस मिक्स कर रहे हैं। बूरा का यूज़ मत कीजिए, चीनी पिसी हुई यूज़ कीजिए। इसे मैंने 5 चम्मच चीनी डाली है। बाकी जितना मीठा आपको पसंद हो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो कम डालिए, और ज़्यादा पसंद करते हैं तो और भी चीनी डाल सकते हैं। इसमें मिक्स कर लीजिए, क्योंकि पाउडर शुगर है इसलिए जल्दी मिक्स हो जाएगी, और लम्ब्स ना रहे ये ध्यान रख लीजिए। लम्ब्स को सबको तोड़कर एक सा कर लीजिए। मिक्स कर लिए अच्छे से। अब बोलो, इसमें हमने शुगर मिक्स कर लिया है, दूध और शुगर मिक्स करके एक स्मूथ फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की क्रीम को हमने बना लिया है। इसमें आप चाहें तो पिसी हुई छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। फ्रूट्स मैंने इसमें जो लिए हैं वो अभी हमारी पसंद के लिए हैं, हमने जो हम खाते हैं अपने घर में। बाकी आप चाहें तो कोई भी फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं इसमें। आम का सीज़न भी नहीं है, आम बहुत अच्छा लगता है इसमें, आम के सीज़न में आप इसमें आम डाल सकते हैं, और पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं छोटे छोटे पीसेस करके, और तरबूज के पीसेस भी डाल सकते हैं, खरबूजे के पीसेस भी डाल सकते हैं, जितना आप जो चाहें जो आपको फ्रूट्स पसंद हो इसमें ये फ्रूट्स आप डाल दीजिए। देख है अंगूर को काट कर डाला है, अंगूर को भी, और ये अनार, और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें साथ ही मिक्स कर दीजिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रूट्स की क्वांटिटी भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे, और इसे ठंडा करके खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा इतना गर्म नहीं है कि इसमें बहुत ठंडा किया जाए। फिर भी थोड़ा सा इसको ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करने के बाद इसे सर्व कीजिए जो तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बिटियास किचन में आपका स्वागत है। एक मेरा ये छोटा सा प्रयास है कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का, कुछ अपने डेली रूटीन से कुछ नया करने का। तो मैंने कुछ इसमें वीडियोस अपलोड की हैं अब तक, हालांकि अभी शुरू किया है, और थोड़ी सी वीडियो अपलोड की हैं। इसमें कुछ टिप्स की हैं और कुछ डिशेस की हैं। अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू। ये 10 मिनट हमने
फ्रिज में रख दिया है इसको। ये फ्रूट क्रीम खाने के लिए बनकर तैयार है। इसमें आप चाहें तो ऊपर से कैसे भी गार्निश कर सकते हैं, अनार के दाने डाल दीजिए और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी इसमें काट कर ऊपर डाल सकते हैं और इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। थैंक यू।